तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं सावजी भोजनालय यहाँ पे, और हम महाराष्ट्र खाना यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी चाचा आए हुए हैं और ये यहाँ पे भी गाड़ी पार्क हो रही है, फिर यहाँ से अंदर चलेंगे और देखते हैं हमको क्या क्या खाने मिलता है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं यहाँ पे एक हमारे स्पेशल गेस्ट को घुमाने, और क्या क्या ऑर्डर किया है हम लोगों ने, तो एक सेव भाजी आपको ऑर्डर की गई है, और दूसरी साउजी जो है नॉनवेज बहुत ज्यादा फेमस है, बट हम लोग वेज में खा रहे हैं। तो पनीर साउजी हमने ऑर्डर किया है। ओके, तो एक पनीर साउजी ऑर्डर की गई। बेसिकली कैसा टेस्ट है साउजी की सब्जी का, हम लोग दिखाएंगे कैसा रहता है। अच्छा ठीक है, और साथ में रोटी कौन सी है, भाकर। मैं तो भाकर खाना। अच्छा, यहाँ पे भाकर मंगाया गया है साउजी के साथ, और साथ में नॉर्मल रोटी रहेगी। राइस वाइस भी मंगाई नहीं गया है, मसाला भात मंगाया। तो यहाँ पे प्योर महाराष्ट्रीयन यहाँ पे चल रहा है हमारा मेन्यू, और जैसे जैसे डिश आएगी आपको वो भी दिखाया जाएगा। काफ़ी सुना है जगह के बारे में, इसलिए यहाँ आए हैं हम लोग। और आप यहाँ पे लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका नागपुर में? मतलब मज़ा आ रहा है, और अभी जैसे हमारी डिशेस आती है तब देखते हैं और कैसा लगता है, टेस्ट कैसा रहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, बाद में बताएंगे खाने के बाद। हाँ, अभी तो बहुत भूख लगी है, बस खाने का इंतजार है, पेट में चूल भूख है। यहाँ पे हमारा जो भी हमने ऑर्डर किया था वो सब आ चुका है। और साउजी खाने के बाद में नारू भी फट गई है भाई, एकदम फटी पड़ी हुई है उसकी भाई, फटी है एक चीज मानता हूँ, लेकिन इतना अच्छा मराठी खाना, इतना तीखा मराठी खाना मैं आज तक नहीं खाया। टेस्टी बहुत है। चार गुलाब जामुन ऑर्डर किया गया है टेस्टी के लिए। न्यूट्रल करने के लिए चीजों, कितना तीखा हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल अभी खास रहे थे, पानी पिया गया है, आधी बोतल इन्होंने खाली की, आधी नहीं पूरी लगभग खाली हो चुकी है। ये है, मैं ऐसा आदमी हूँ जो आना के 3 घंटे बाद पानी पीता हूँ, लेकिन आज पानी खत्म करना पड़ा है। ऐसा खाना खाने के बाद ये बहुत जरूरी है, बोलते हैं पूरे मुंह में आग लग गई है भाई। मैं ठहरा मुंबई का, ठीक नदी का हम लोग खाते नहीं है, हम लोग खाते तो एवरेस्ट टी का खाते हैं, ये नागपुरी लोग भाई बहुत खतरनाक खाना खाते हैं। मजा आ गया, बट ठीक है, अभी भी चलता है। पानी चुटके लग रहे तीखे के गर्मी ऊपर से।
दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोगों ने हमारा पूरा खाना खत्म किया है हम तीनों लोगों ने, और टेस्ट काफी अच्छा लगा और वीडियो जल्दी आएगी यूट्यूब पे। और अभी देखते हैं बिलिंग यहाँ पे हो चुकी है और देखते हैं कितना यहाँ पे आया है। तो मेरे हिसाब से 1000 के आसपास मिल गया है, 1000 के आसपास कह रहे हैं यहाँ पे तीन लोगों के, जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पे 1200 के आसपास बिल आया है और खाना काफी टेस्टी था, काफी अच्छी क्वांटिटी थी, मजा आया। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा पूरा खाना खत्म और काफी मजा आया। अब पूछते हैं कि कैसा लगा हमारे मोनू चाचा को। तो चाचा आपका क्या एक्सपीरियंस था यहाँ पे? भाई मेरे को तो महाराष्ट्रीयन खाना था, साथ में मेरे भाई को भी महाराष्ट्र खाने की बहुत इच्छा थी आज। हाँ। पहले विष्णु जी की रसोई है वहाँ पर, फिर हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन ये समझ में आया हम लोग को। अच्छा, यहाँ पर आए एक ब्लाइंडली आए थे हम लोग कि पता नहीं कैसा होगा, बट खाने के बाद में एकदम मजा आ गया, मतलब आँख से पानी निकल आया खाने के बाद में। और लास्ट में उसको गुलाब जामुन मतलब खा के उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है चीज़ों को, बट ऑसम टेस्ट, मजा आया। मजा आया मतलब मोनू चाचा को एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस लगा है। लेकिन अब बात करेंगे नारायण चाचा से, तो आपको यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस? देखो भाई शाम से निकले हुए थे और बहुत जोरों की भूख लगी थी, मेरा ये था कि भाई मराठी खाना और जल्दी खाना। तो हम लोग कहीं कहाँ गए थे, विष्णु जी की रसोई में, तो वहाँ गए तो वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ थी, तो हम बोले चले यहाँ पे आते हैं, तो दूसरा ढूंढा तो रुचिकर ऑप्शन में मिला। और भाई जो इसने मेरे आंसू निकाले आज जो आंसू निकाले, एक्चुअली मैं इतना तीखा खाता नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोला मैं इतना तीखा खाता नहीं, लेकिन मजा आ गया यार जो भी है खा के, टेस्ट अच्छा था। मैं रिकमेंड करूंगा जो भी अगर आना चाहे नागपुर या बेस्ट। तो अगर आपको महाराष्ट्र टेस्ट चाहिए, भी बहुत अच्छी थी। भी तो यहाँ जरूर आए, टेस्ट काफी अच्छा था, प्योर वेज नॉन वेज दोनों है यहाँ पे।